सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल डायनामिक टेक्नो। गाइस आप भी लेनोवो लैपटॉप यूज करते हैं और जो आपका लैपटॉप होता है दोस्तों वो ऑटोमेटिक रिपेयर लूप में चला जाता है। ऑटोमेटिक रिपेयर लूप में चला जाने के बाद दोस्तों जो आपका लैपटॉप को आप बूट करने में आपको टाइम लगता है या फिर बूट नहीं हो पाता है आपका लैपटॉप, तभी दोस्तों और एक एरर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, योर पीसी डिड नॉट स्टार्ट करेक्टली, और भी कई तरह के एरर आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों। आपको आपका जो लैपटॉप लेने का लैपटॉप होता है बूट आप नहीं कर पाते हैं, जो आपका विंडो को आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं। सो गाइस टुडे मैं आपको बताऊंगा जो आपका लैपटॉप होता है वो लेने का लैपटॉप होता है कैसे आपको ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, पूरी वीडियो में आपको डिटेल पर बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी मेरा सिस्टम को जब पावर ऑन करने के लिए जाता हूं तभी दोस्तों यहां पे स्क्रीन पर डायग्नोसिंग योर पीसी ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है दोस्तों, और कुछ टाइम जाने के बाद यहां पे ब्लू स्क्रीन में एक ऐसा एरर देखने के लिए मिलता है, स्टार्टअप रिपेयर कुल नॉट रिपेयर योर पीसी लिखा हुआ आता है। और कई बार दोस्तों यहां पे ऐसा कुछ लिखा हुआ था योर पीसी डिड नॉट स्टार्ट करेक्टली देखने के लिए मिल जाता है ऐसा कुछ एरर, और दोनों ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, एक शटडाउन का ऑप्शन एक एडवांस ऑप्शन का मिल जाता है, दोनों ऑप्शन आपको यहां पे देखने के लिए मिलता है। तो आपको यहां पे एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। जब एडवांस ऑप्शन पर चलिए मैं क्लिक कर लेता हूं, इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको तीनों ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पे आपको ट्रबल शूट पर क्लिक करना होगा दोस्तों। जब ट्रबल शूट पर क्लिक करते हैं अगेन आपको यहां पे एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करके स्टार्टअप सेटिंग पर क्लिक करना है, और जो ये फीचर देखने के लिए मेरा स्टार्टअप सेटिंग में जो ये फीचर दिया है इसको एनेबल करने के लिए एक्सेस करने के लिए आपको यहां पर रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों यहां पे इसको एक्सेस कर सकते हैं देखने के लिए मिलेगा। यहां पे रिस्टार्ट करने के बाद ये सारे ऑप्शन आ चुका है। तो यहां पे जो 8 नंबर में डिसेबल अर्ली लॉन्च एंटी मैलवेयर प्रोटेक्शन 8 अपना कीबोर्ड से आपको 8 प्रेस कर लेना है, ठीक है। 8 प्रेस करने के बाद दोस्तों जो आपका लैपटॉप होता है या फिर पीसी कह लो वो रिस्टार्ट होकर अपना जो लैपटॉप का प्रॉब्लम होता है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, जो ऑटोमेटिक रिपेयर लूप का प्रॉब्लम होता है सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये पहले मेथड पर करना है, देखने के लिए मिलेगा मेरा लैपटॉप का पासवर्ड यहाँ पे देके मैं जो मेरा विंडो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आ चुका है, अभी पूरी तरह से मैं फुल्ली एक्सेस कर सकता हूँ। दो नंबर मेथड पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा आपको ट्रबल शूट पर क्लिक करना है। ट्रबल शूट पर जब क्लिक करते हैं तभी दोस्तों एडवांस ऑप्शन पर अगेन आपको क्लिक करके यहाँ पे स्टार्टअप सेटिंग पर क्लिक करना है। स्टार्टअप सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो सारे ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर रिस्टार्ट कर लेता हूँ। रिस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे जो 4 नंबर पे दोस्तों यहाँ पे एनेबल सैप मोड, यहाँ पे आपको अपना कीबोर्ड से 4 प्रेस करना है। अपना कीबोर्ड से 4 प्रेस करने के बाद दोस्तों जो आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होता है वो सैप मोड में बूट होगा देखने के लिए मिलेगा। चलिए मैं प्रेस करता हूँ, प्लीज वेट लिखा हुआ आ चुका है। देन यहाँ पे जो भी आपका स्क्रीन का पासवर्ड है आपको यहाँ पे दे देना है, देने का चलिए मैं दे देता हूँ। यहाँ पे देने के बाद दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं एंटर प्रेस कर लेता हूँ, वेलकम लिखा हुआ आ चुका है। तो यहाँ पे जो आपका लैपटॉप होता है वो सेफ मोड में बूट हो जाएगा देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे सेफ मोड में बूट हो चुका है। सेफ मोड में क्या होगा कि दोस्तों जो आपका लैपटॉप में या फिर पीसी में जो ड्राइवर यहाँ पे लोड करता है वो अननेसेसरी जो ड्राइवर वगैरह होता है वो लोड नहीं करता है, जो जरूरी होता है वो लोड करता है। तो आपका ड्राइवर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं, ठीक है। इसको नॉर्मल मोड करने के लिए आपको यहाँ पे रिस्टार्ट कर लेना है दोस्तों, देखने के लिए मिलेगा। रिस्टार्ट जब अपना कंप्यूटर को कर लेते हैं तभी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे था वैसे आपका नॉर्मल मोड में आपका लैपटॉप या फिर पीसी आ जाएगा देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। इस तरीके से अपना जो ऑटोमेटिक रिपेयर लूप का प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं मेथड 2 पर, ठीक है। तीसरे नंबर मेथड पर दोस्तों आपको ट्रबल शूट पर क्लिक करना है। अगेन ट्रबल शूट पर क्लिक करने के बाद एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपका लैपटॉप होता है वो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो आपका कोई भी पासवर्ड मांगता है देखने के लिए मिलेगा, ऐसा कोई आपका जो यूजर नेम मांगता है तो यूजर नेम को आपको सिलेक्ट करके आपका जो पासवर्ड है स्क्रीन का आपको दे देना है। चलिए मैं इसमें क्लिक करके जो मेरा स्क्रीन का पासवर्ड है मैं यहाँ पे दे देता हूँ। देने के बाद दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, दे देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कमांड देना है, यहाँ पे लिखना है दोस्तों सी टाइप में, आपको सी टाइप देके आपको यहाँ पे कॉलम देके आपको एंटर प्रेस कर लेना है। देन आपको यहाँ पे लिखना है SFC स्पेस स्लैश देके आपको यहाँ पे लिखना है स्कैन नाउ देखने के लिए मिलेगा। देन एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों जो आपका लैपटॉप यहाँ पे वेरिफिकेशन लेगा, ठीक है। तो गाइस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे और एक आपको कमांड देना है CHKDSK, देन आपको स्पेस देके यहाँ पे /F लिखना है, देन आपको स्पेस देके यहाँ पे /R लिखना है, देन आपको स्पेस देके X, देन आपको स्पेस देके यहाँ पे आपको C: देना है, देन आपको एंटर प्रेस कर लेना है। चलिए मैं लिख लेता हूँ पहले। लिखने के बाद आपको चलिए मैं एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों जो आपका लैपटॉप होता है दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे आपका जो सी ड्राइव होता है वो चेक करेगा, कोई भी एरर है, कोई भी आपका ड्राइवर वगैरह क्रैश हुआ है ऐसे आपको यहाँ पे पूरी तरह से फुल्ली यहाँ पे चेक करेगा। यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ये स्टेज 1 स्टेज 2 आपका यहाँ पे स्टेज 5 तक जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका 1-2 घंटा लग सकता है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है दोस्तों। आपको एग्जिट नहीं होना है दोस्तों, आपको बता देता हूँ, कोई भी ऑपरेशन को आपको फेल नहीं करना है, आपको वेट करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गाइस आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे स्टेज 5 पर आ चुका है और ये पूरी तरह से सक्सेसफुली चेक हो चुका है जो मेरा सी ड्राइव का पूरी तरह से यहाँ पे जो ड्राइवर वगैरह क्रैश हुआ है तो इसको रिपेयर करके आपको दे देता है। तो यहाँ पे आपको जब यहाँ पे आपका स्कैन जो होता है वो चेक होता है वो सक्सेसफुली हो जाए तभी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मेरा सारे जो यहाँ पे फोल्डर वगैरह भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तभी दोस्तों आपको यहाँ पे चेक कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको लिखना है एग्जिट EX
लिखना है आईटी, ठीक है। लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप एग्जिट हो जाएगा, देन यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपका लैपटॉप होता है या फिर पीसी कह लो, यहाँ पे पूरी तरह से विंडो 10 का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखने के लिए मिलेगा अभी विंडो का लोगो आ चुका है, थोड़ा सा लोडिंग लेगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो वेट करना है आपको। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं आ चुका हूँ, अनलॉक कर लेता हूँ उसको, पासवर्ड दे के अनलॉक कर लेता हूँ। जो भी पासवर्ड आपको दे देना है आपका स्क्रीन का, देखने के लिए मिलेगा दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन का पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे जो मेरा विंडो को अभी पूरी तरह से मैं फुल्ली एक्सेस कर सकता हूँ। ऑलराइट, चौथे नंबर मेथड पर दोस्तों अगर आपको ट्रबल शूट पर चले आना है, ट्रबल शूट पर चले आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट पर फिर से क्लिक करना है। कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी आपका यूजर नेम है दोस्तों उसको सिलेक्ट करके आपका पासवर्ड दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अभी आ चुका है, थोड़ा सा वेट करना है आपको। तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अभी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ मेरा यूजर नेम को। सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका स्क्रीन का पासवर्ड है दोस्तों आपको दे देना है, जो भी आपका आप दिए होंगे तो उसको दे देना है। देन आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट अगेन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको कमांड देना है, बूट लिखना है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर भी देखने के लिए मिलेगा बूट REC, देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे बूट REC, देन स्पेस दे के आपको यहाँ पे लिखना है स्लैश फिक्स बूट, ठीक है। आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, लिखने के बाद एंटर प्रेस कर लेना है। एंटर प्रेस करने के बाद कई बार ये जो कमांड होता है काम नहीं करता है, तो जैसे कि मेरा लैपटॉप पर यहाँ पे एक्सेस डिनाई हो चुका है तो काम नहीं किया, तो अगेन आपको फिर से और एक आपको कमांड देना है, बूट लिखना है। बूट लिखने के बाद यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों यहाँ पे REC, देन स्पेस दे के आपको यहाँ पे लिखना है स्लैश, देखने के लिए मिलेगा और एक आपको कमांड देना है। कमांड देखने के बाद यहाँ पे पूरी तरह से सक्सेसफुली हो चुका है, देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे पूरी तरह से सक्सेसफुली हो चुका है इंस्टॉलाइजेशन, ओके। तो यहाँ पे और एक कमांड देना है आपको, बूट लिखना है। बूट लिखने के बाद REC, देन स्पेस दे के आपको यहाँ पे लिखना है स्लैश फिक्स MBR, ठीक है। देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद ये भी सक्सेसफुली ऑपरेशन हो चुका है। और एक कमांड देना है दोस्तों आपको यहाँ पे, जो भी मैं आपको कमांड बता रहा हूँ दोस्तों आपको स्क्रीन पर भी देखने के लिए मिलेगा, और एज इट इज में जो कर रहा हूँ आपको एज इट इज अपना कंप्यूटर भी करना है, वरना आपका काम नहीं कर सकता है, देखने के लिए मिलेगा। लिखने के बाद ये भी यहाँ पे पूरी तरह से सक्सेसफुली काम कर चुका है, ठीक है। तो ये सारे कमांड को देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एग्जिट लिखना है। एग्जिट लिखने के बाद अपना कंप्यूटर के कीबोर्ड से आपको एंटर प्रेस कर लेना है, देन ये एग्जिट हो जाएगा। यहाँ से आप कंटिन्यू करके भी अपना जो लैपटॉप या फिर पीसी को ऑन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ट्रबल शूट पर क्लिक करके आपको एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करना है, या फिर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा स्टार्टअप रिपेयर, इसमें भी क्लिक करके यहाँ पे देखने के लिए मेरे स्टार्टअप रिपेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आता है डायग्नोसिंग योर पीसी, कुछ टाइम वेट करना है दोस्तों जो आपका लैपटॉप होता है वो ओपन हो जाएगा। देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, मैं चलिए पासवर्ड दे देता हूँ मेरा जो स्क्रीन का पासवर्ड होता है। स्क्रीन का पासवर्ड देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो मेरा विंडो है पूरी तरह से अभी आ चुका है, विंडो 10 होम जो यहाँ पे खुल चुका है पूरी तरह से, मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ऐसे दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, जो मैं मेथड बताया दोस्तों एज इट इज अपना कंप्यूटर पर आपको यहाँ पे कॉपी करना है दोस्तों, पूरी तरह से सक्सेसफुली आपका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आता है दोस्तों, आपका प्रॉब्लम कोई भी चैलेंज आता है, जो प्रॉब्लम होता है यहाँ पे जो कोई भी मेथड आपका काम नहीं करता है, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। ऑलराइट, जैसा मैं देख लिया कि जो आपका लेनोवो लैपटॉप होता है वो ऑटोमेटिक रिपेयर ग्रुप में चला जाके दोस्तों यहाँ पे जो आपका बूट करने में आपको टाइम लगता है या फिर आपको प्रॉब्लम फेस करने के लिए पड़ता है, तो ऐसे दोस्तों प्रॉब्लम को फिक्स करना है दोस्तों पूरी वीडियो में आपको डिटेल पर बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, और भी ऐसे ऑसम वीडियो देखने के लिए डायनामिक टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा मैं पार्ट टू पहले से बना के रखा हूं दोस्तों, आई बटन में, एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।